बात करने वाले हैं टॉप 10 ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में। सो लेट्स रोल ब्रदर। तो गाइस जैसा कि आपने कहा था टॉप 10 ओपन वर्ल्ड गेम्स पे वीडियो बनाई है तो हमने ला दी आपके लिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आज हम इसमें आपको टॉप 10 ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में बताने वाले हैं जो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती हैं इस वीडियो में, जहाँ पे आपको मिल जाता है एंड्रॉयड और iOS के लिए भी। अगर आपके पास iOS फ़ोन है, आपके पास एप्पल या आईफोन है, तो उसमें भी आप बिल्कुल आसानी से प्ले कर सकते हैं ये सारे गेम्स की। तो सारे गेम्स के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे जाकर इन सारे गेम्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे वो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों नंबर वन पे हमारा ऑडवेयर स्ट्रेंजर रथ, जहाँ पे वो बहुत अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, लेकिन गूगल प्ले पे आपको ये पे पेड मिलता है। अगर आपके पास एप्पल फोन है देन आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आपके अपने एप्पल स्टोर से, जहाँ वो किसी आगे प्रॉब्लम नहीं होती है। अब वो साइज मिल जाता है देखने को एंड्रॉइड में 701 MB में, और इसको बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं आप RXDL से अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हैं देन, क्योंकि आपको पता है RXDL बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं APK डेटा को और आसानी से एक्सट्रैक्ट करके अपने मोबाइल पर इस गेम को प्ले कर सकते हैं। हमने इस गेम को अपने मोबाइल पर प्ले किया है, हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है देखने को इस गेम का, क्योंकि गेम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न थीम देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छी शूटिंग स्किल्स देखने को मिल जाती है, जो कि आपको थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में दोनों मिल जाती है। इस गेम के लिए इतना ही, तो चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। तो दोस्तों मदर नंबर टू की तरफ, जो आपका बैकस्टेप HD। वैसे तो इस गेम की ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको गूगल प्ले पे ये नहीं मिलता है। आज से बहुत साल पहले ही गया, 2-3 या 4 साल पहले इस गेम को गूगल प्ले से हटा दिया गया है, लेकिन आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है APK डेटा मोड से, वहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो अगर गेम की साइज बात कर लें तो आपके GPU पे डिपेंड करता है, आपका GPU क्या है, एंड्रेनो है, माली या फिर पावर ईआर या फिर टैगरा है। अगर आपका टैगरा है देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, माली या एंड्रेनो कोई भी हो, लेकिन आपको बहुत हाई साइज अगर मिलेगी देन आपको मिलेगी सिर्फ माली में, ना कि आपको कोई और GPU में मिलेगी। तो अप्रॉक्सीमेट सबसे ज़्यादा आपको 700 मिलेगी, बाकी और कोई GPU के लिए आपको बस 500-600 में ही मिलेगी साइज। इस गेम को डाउनलोड कीजिए और मोबाइल पे प्ले कीजिए, जहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को इस गेम का मिल जाता है। वन ऑफ द बेस्ट गेम फॉर मी, हमारे लिए बहुत अच्छा गेम रहा है, एक ओपन वर्ल्ड गेम। इस गेम के लिए इतना ही, तो चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। तो दोस्तों हम आते हैं नंबर 3 की तरफ, जो आपका है अमेजिंग स्पाइडर मैन, जो आपको गूगल प्ले से तो अब नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ से इसको इस गेम को रिमूव कर दिया गया है, इसको भी रिमूव कर दिया गया है और अमेजिंग स्पाइडर मैन 2 को भी रिमूव कर दिया गया है। देन हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया एक वेबसाइट की, जिसकी नाम है REVDL, वो भी एक तरह का RXDL जैसा ही वेबसाइट है, वहाँ से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ वो पड़ जाता है 2 GB में। गेम अगर आप देख सकते हैं, वैसे तो इस गेम को बहुत ही लोगों ने इतना सहारा नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया है, लेकिन अगर गेम की बात कर ले तो गेम बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। गाइस आपको पहले एक बार प्ले करना होगा, इस गेम को एक बार मौका देना होगा, देन आप इस गेम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, उम्मीद है, क्योंकि एक ही तरह का ओपन वर्ल्ड गेम है और बहुत मज़ा आने वाला है इस गेम को अपने मोबाइल पर आपको प्ले करने में। और सबसे खास बात तो इस गेम की ये है कि आपको पता है, अगर छोटा मोटा भी मोबाइल है देन उसमें भी आप इस गेम को प्ले कर सकते हैं, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। इस गेम के लिए इतना ही, तो चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। तो दोस्तों आते हैं नंबर 4 की तरह, जो आपका एक्साइल्स। वैसे तो एक्साइल्स आपको मिल जाता है गूगल प्ले से, लेकिन वहाँ पे आपको मिलता है पेड। गेम की साइज इत्तेफाक आप देख लीजिए, गेम की साइज और गेम में जितना पैसा उन्होंने मांगा है दोनों सेम है, 450 रुपये का आपका गेम भी है और 450 MB का आपका गेम भी है। इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, लेकिन आपको वहाँ पे पेड करना होगा। तो हम आपको इसकी लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं आपको, मतलब मोड में, देन आपको यहाँ से आपको डाउनलोड करना है खुद से, कोई भी ब्राउजर आपके पास हो वहाँ से सर्च कर सकते हैं और RXDL से आसानी से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गेम की अगर बात कर लें तो गेम बहुत अच्छा देखने का आपको मिल जाता है, जो एक तरह का थर्ड पर्सन शूटिंग गेम है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्किल देखने को मिल जाती है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो इस गेम के लिए इतना है, तो चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। दोस्तों हम आते हैं हाफ ऑफ द टॉप 10 नंबर 5 की तरफ, जो हमारा है आपको शेडो शन। वैसे ये भी गेम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन गूगल प्ले से आप बिल्कुल आसानी से इसको नहीं डाउनलोड कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलता है पेड 70 रुपये में। तो इसको भी किसी भी वेबसाइट से आप RXDL से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। हम इसलिए आपको बता देते हैं, जैसे आप वहाँ से डाउनलोड कर लें आपको ना कि पेड मिले, आप ना बिल्कुल पैसा दे के इस गेम को ना खेलें। तो इसकी साइज़ की बात अगर कर लें तो आपको मिल जाता 475 MB में, बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इस गेम को प्ले कर सकते हैं।
गेम जैसा कि आप देख सकते हैं, गेम की ग्राफिक्स जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये एक तरह का पर्शियन गेम है, यहाँ पे वो बहुत मजा आने वाला है इस गेम को प्ले करने में, क्योंकि एक एक्शन एडवेंचर गेम आपको देखने को मिल जाता है। इस गेम के लिए इतना ही, तो चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। तो दोस्तों हमारे नंबर 6 की तरफ जो आपका है डार्क नाइट राइजेस। वैसे तो ये भी गेम बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी ग्राफिक्स गेम के देखने को मिल जाती है, जो कि आपका एक तरह का सुपर हीरो गेम है। अगर इस गेम की बात कर लें गूगल प्ले पे, देन आपके मोबाइल के लिए उम्मीद है कि अनकम्पैटिबल होगा, मतलब कंपैटिबल आपके मोबाइल के लिए ये गेम नहीं होगा, क्योंकि हमारे नोट 5 प्रो के लिए भी कंपैटिबल नहीं है गूगल प्ले से। तो आप RXDL से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे आपको क्लिक करके RXDL से इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। गेम का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, काफ़ी एक्शन और एडवेंचर के साथ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि फाइटिंग स्किल्स आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइज मिल जाती है 896 MB में। इस गेम को डाउनलोड कीजिए, मोबाइल पे प्ले कीजिए। तो इस गेम के लिए इतना ही, तो चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। तो दोस्तों आते हैं नंबर 7 की तरफ, जो आपका है रेवन स्वॉर्ड। रेवन स्वॉर्ड तो बहुत ही अच्छा गेम है, जैसा कि आप जानते ही होंगे एक RPG गेम है, शेडो लैंड्स, काफ़ी अच्छा गेम है, लेकिन आप गूगल प्ले से इसको आसानी से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पड़ जाता है 450 रुपये में। और हाँ, साइज की बात कर लें तो साइज आपको पड़ जाती है 520 MB में। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप तो समझदार ही हैं, तो हम गूगल प्ले की लिंक आपको देंगे, लेकिन आप डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, देन RXDL से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको फ्री में ये गेम पड़ जाता है। वैसे तो ये गेम जब आप शुरुआत में प्ले करेंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन थोड़ी देर खेलिएगा आपको ये गेम बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ओपन वर्ल्ड में बहुत अच्छा गेम ये भी आता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने इस गेम को भी मिल जाता है। तो इस गेम को प्ले कीजिए और खूब एंजॉय कीजिए। तो इस गेम के लिए इतना ही, तो चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। सो गाइस हम आते हैं नंबर 8 की तरफ, जो आपका है सुपर रोप गर्ल 2। वैसे तो ये गेम देखने को आपको मिल जाता है एक तरह का ओपन वर्ल्ड, अगर आपने जस्ट कॉज खेला होगा तो काफ़ी हद तक वैसे गेम देखने को आपको मिल जाता है। ग्राफिक्स तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन गेम अगर आप प्ले करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, जो आपको मिल जाता है गूगल प्ले पे 100 MB में। तो गूगल प्ले पे जाकर इस गेम को बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, डाउनलोड कीजिए और प्ले कीजिए। तो इस गेम के लिए इतना ही, तो चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। दोस्तों हमारे नंबर 9 की तरफ, जो आपका है गैंगस्टर वेगस माफिया गेम, जो कि बहुत अच्छा गेम देखने को आपको मिल जाता है गूगल प्ले से, बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर पड़ जाता है 1.6 GB में, 16 MB में आपको पड़ जाता है ये गेम। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है बहुत अच्छी हाई फाई ग्राफिक्स, जो आपको एलडीआई ग्राफिक्स और हाई रियलिस्टिक ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि मोबाइल में बहुत बड़ी बात है इस गेम को प्ले करना, क्योंकि वो जब आप इस गेम को प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में गेम में कुछ है, क्योंकि गेम देखने को आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। और गेम प्ले के एक्सपीरियंस की बात कर लें तो एक्सपीरियंस भी देखने आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो प्ले कीजिए इस गेम को, डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो इस गेम के लिए इतना है, तो चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। तो दोस्तों हमारे नंबर 10 की तरफ, जो आपका है 6 Guns गैंग शोडाउन। वैसे तो गेम की ग्राफिक्स हमें तो बहुत अच्छी लगी थी जब हम इस गेम को प्ले किए थे अपने टाइम मतलब कि 2013-2014 में इस गेम को हमने प्ले किया था एक बहुत छोटे मोबाइल पर, जहाँ पर यह गेम काफ़ी हद तक फंसता भी था। तो लेकिन इस गेम की ग्राफिक्स आपको देखने को बहुत ही हाई और रियलिस्टिक देखने को मिल जाती है, यहाँ पर बहुत अच्छी स्किल्स देखने को मिल जाती है, जैसे कि एक तरह का वेस्टर्न गेम है, यहाँ पर वो शूटिंग स्किल्स भी देखने को मिल जाती है। तो गूगल प्ले बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे वो मिल जाता है 435 MB में। तो इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये थे हमारे टॉप 10 गेम्स, तो चलिए छोटे से टॉक कर लेते हैं। सो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे व्यूज़ देने के लिए हमारी हर एक वीडियोज़ पे, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें और ऐसे ही साथ बनाए रखें, और ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बने उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ अच्छी अच्छी आपके लिए लाते रहते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। सो गुड बाय।